अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब। और गाइज आज के ड्राइंग में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एफ प्लस वी लोगो डिज़ाइन प्रोसेस। तो गाइज बहुत ही इजी मेथड के साथ आप लोगों को फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप इस लोगों को कैसे क्रिएट करेंगे, और वो भी बहुत इजी मेथड के साथ। तो गाइज मेरे पास एक ग्रेडिंग कलर इसका जो मैं इस लोगों में यूज़ करूँगा, आप इसमें कोई भी कलर जो आपका फेवरेट कलर है उसको ग्रेड कर लीजिएगा, उसके बाद आप उसको ईजी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज आप करें वीडियो को इन्जॉय और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो गाइज चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लोगों को कुछ लाइन्स की मदद से जो क्रिएट करूंगा, इसको लाइन को क्रिएट कर लेना, 1 पॉइंट साइज इसमें ब्लैक कलर को फिल कर लेना, और इसी को आपने डुप्लीकेट कर लेना है कुछ। इसको इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करूंगा, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। ओके डैट्स गुड। और इसको आपने ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर दूंगा। बड़ा करने के बाद गाइस आपने क्या करना है कि इसको रोटेट करना है, ट्रांसफार्म में जाकर 120 के एंगल पे इसको रोटेट कर देना है, और दोबारा इसको राइट क्लिक करना है, ट्रांसफार्म में चले जाना है और रिफ्लेक्ट में चले जाना है, और आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब आर्टिकल 90 प्रीव्यू ऑन करके आपने जस्ट कॉपी पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये वाला स्केच जो रेडी होगा। आप दोबारा आपने फर्स्ट वाली को सेलेक्ट कर लेना है और गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस। ओके गाइस, और आप दोबारा ट्रांसफार्म में जाके इसको जो है जीरो ओपन क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास ये वाला स्केच जो है वो रेडी हो जाएगा। आपने ये वाला स्केच जो है वो रेडी कर लेना है अपने लोगों के लिए। सो गाइस अब आपने क्या करना है, इसको सारे को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 0.5 जो इसकी साइज़ है इसकी लाइन्स का, वो आप कर लेंगे, और अब आप लोग को सारा प्रोसेस बताऊँगा कि आपने इसको स्टार्ट कहाँ से करना और फिनिश कहाँ पर करना है। सो गाइस शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसकी शॉर्टकट कमांड है, आपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस एम प्रेस करेंगे तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सो गाइज आप इसमें कोई भी आप कलर फिल कर लेंगे तो ब्लैक फिलर इसमें कर लेते हैं। सो गाइज इसको यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके दैट्स गुड। तो गाइज आपने केयरफुल रह के अपना वर्क करना है। सो गाइज यहाँ पे हम अब यहाँ पे हम इसको वी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ओके दैट्स गुड। और एफ को हमने क्रिएट करना है। सो यहाँ पे और यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ क्रिएट। ओके डेट्स गुड। इसको ज़्यादा मैंने स्टाइलिश बनाना है। सो गाइस यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, ये ज़्यादा स्टाइलिश होगा, और यहाँ पे भी इसको स्टाइलिश बना लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा लोगो जो है क्रिएट हो गया। सो गाइस आप आपने क्या करना है, इसको अनग्रुप कर लेना है। अनग्रुप करने के बाद एक साइड पे लोगो को ले जाएंगे और एक्स्ट्रा लाइन को हम रिमूव कर देंगे, इसकी हमें नीड नहीं है। सो गाइस आप इसको हम ले आते हैं इस साइड पे, और आप इसकी थोड़ी सी स्पेस को फिल करना है और थोड़ा सा लोगों को बड़ा करना है। सो गाइस इसको 0.5 को सेलेक्ट कर दो, इसकी वैल्यू को आपने बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, गो टू ऑब्जेक्ट एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद आपने इसको पाथ फिंडर कर देना है, और अगर आपका यहाँ पे पाथ फिंडर नहीं आ रहा, आपने विंडो में चले जाना है और यहाँ पे आपको पाथ फिंडर मिल जाएगा। आपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे तो आपका पाथ फिंडर जो है वो ओपन हो जाएगा। सो गाइस ज़बरदस्त लग रहा है हमारे लोगों। सो गाइस अब इसमें हम अपना ग्रेडिंग कलर को फिल करेंगे। ओके डैशबोर्ड। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है हमारा लोगो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसको अगर आप कोई बैकग्राउंड देना चाहते हो बैकग्राउंड दे दें, अगर नहीं देनी तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसको आपने क्रिएट करना है सो कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कलर को जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह इसको क्रिएट कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है हमारे लोगों। तो अब इसको मैं शेडो देना चाहूँगा, तो शेडो आपने बिल्कुल ऐसे क्रिएट कर लेना है। इसमें आपने ब्लैक कलर को फिल कर लेना है। ओके, पर ब्लैक कलर को फिल करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आपने एफेक्ट्स में चले जाना, स्टाइल्स में जाना, फीचर में चले जाना, और आप इसकी वैल्यू को आपने बढ़ा देना है। ओके, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। ओके डैट्स गुड। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा लोगो कितना ज़बरदस्त जो है वो क्रिएट हो गया, और कितना ज़बरदस्त हमारा लोगो जो है वो लग रहा है। आई होप इस तरह का लोगो क्रिएट करने में आप लोग को कोई टेंशन नहीं होगी, और आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।